सभी का एसएस न्यूज में मैं आपके साथ मुस्कान। मध्य प्रदेश के निवासी पेशाब कांड वाले आरोपी पर दिखी पुलिस की सख्ती। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस ने एक आदिवासी शख्स पर पेशाब करने वाले इस प्रवेश शुक्ला नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इस समय दिखी पुलिस बड़े गुस्से में। एक वायरल वीडियो इस समय सामने आया है जहां जिले के सीधी पुलिस ने कथित तौर पर आरोपी प्रवेश शुक्ला को धक्के मारते हुए ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस शुक्ला का कॉलर पकड़कर ले जा रही है और प्रवेश शुक्ला को पीटते हुए घसीटते हुए ले जाया गया और पुलिस इसके अलावा वाहन में इस आरोपी को बिठाने के समय यहाँ पर धक्के देकर उसे घसीटते हुए कार में बिठाया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि जब पहली बार पूछताछ के लिए प्रवेश शुक्ला नामी इस आरोपी को पुलिस थाने ले जाया गया तो जनाब बड़े ही एटीट्यूड के साथ दिखाई दिए, जहां ना कोई सुरक्षा थी और ना हाथों में हथकड़ी थी और ना ही इनसे कोई भी आरोपी की तरह व्यवहार कर रहा था। लग तो ऐसे रहा था कि पुलिस इस आरोपी की पीठ थपथपा रही है। इस वीडियो पर कई सवाल बने, जनता काफी गुस्से में आ गई, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए, दिखावा करने के लिए अपना रवैया बदल कर दिखा रही है। खैर, ये तो केवल सरकारी कर्मी हैं। जब सरकार के नेता, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस तरह का अच्छाई का ढोंग रचा सकते हैं तो फिर किसी और से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। गाड़ी खोल के रखो, पकड़ो अभी, पकड़ो, पकड़ो। और लगातार इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एसएस न्यूज हिंदी। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।